गुड इवनिंग पिला माने, आगरु आमे सप्तम अनुच्छेद पर्यंत पढ़ी सारिथिले। आज तार परवर्ती अष्टम अनुच्छेद पढ़िबा। पिला माने तुम्हें माने आगरु जानिछ जे आम देश भारत इंग्रेज मानंक अधीन रे थिला। से माने आमको अकथनीय अत्याचार करथिले एवं सही इंग्रेज मानंक आम देशरु घोड़ाइबा निमंते आम देश बाहर करदेवा निमंते अनेक वीर पुरुष आगक आसी से सहित लड़े करते अनेक वीर निजर प्राण मध्य त्याग करते किंतु से ही वीर मानक मध्यरु सर्वकनिष्ठ वीर सबुठारो जणे छोट स्वाधीनता संग्रामी थिले जणे छोट वीर थिले जे कि आम देश पाई भारत माता पाई से निजर प्राण त्याग करते सही वीर जनक बाजी राउत ढेंकानाल जिल्लार नीलकंठपुर ग्राम नीलकंठपुर ग्राम से जन्मग्रहण करते तेब आज तांको विषय पढ़िबा। तो प्रथम अनुच्छेद को थरे रीडिंग करदे। ढेंकानाल जिल्लायाः नीलकंठपुर ग्रामे एकः नाविकः आसीत्। नाविकस्य एकः पुत्रः अभवत्। पुत्रस्य नाम बाजी राउतः। बाल्यात् बाजिः पितरी मातरी च भक्तिं करोति। लोकानां दुःखं पितुः शृणोति। दुःखस्य कारणं च पितरं पृच्छति। पिता सर्वदा उपदिशति वत्स देशस्य स्वाधीनतां रक्षेत्। स्वाधीनतायाः रक्षणाय प्राणानपि त्यजेत्। कर्तव्यं पालयेत्। अत्याचारस्य विरोधं कुर्यात्। तदा स्वराज्याय आन्दोलनम् अचलत्। प्रजामण्डलस्य नेतारः शासकानाम् अत्याचार विषये ग्रामे ग्रामे लोकान् अबोधयन् बहवः श्रोतारः सभास्थलं गच्छन्ति। बाजिः अपि मात्रा पित्रा च सह गच्छति। नेतॄणां भाषणं श्रुणोति। क्रमेण सः नेतृभिः प्रभावितः अभवत्। भारतमातुः सेवां करोत्। शत्रूणां प्रतिरोधम् अकरोत्। अन्ते च शासनकर्तॄणां गुलिकाभिः प्राणान् अत्यजत्। अतः प्राणपातेनापि देशमातृका सेवनीया। वर्तमान यहाँ अर्थ को बुझिनेवा। ढेंकानाल जिल्लायाः नीलकंठपुर ग्रामे ढेंकानाल जिल्लार नीलकंठपुर ग्रामरे एकः नाविकः आसीत्। जणे नाविक थिले। नाविकस्य एकः पुत्रः अभवत्। नाविकर एक पुत्र थिला। नाविक माने जे ना चलाए जे डंगा चलाए से हला नाविक। पुत्रस्य नाम बाजी राउत। से पुत्रर नाम कौन बाजी राउत। तेबे बाजी राउतंकर पितांक नाम कौन हरि राउत हला। पितांक नाम हरि राउत। बाल्याद बाजी पितरी मातरी च भक्तिं करोति। बाल्यकालरु शैशव समयरु बाजी पिता एवं मातांकु भक्ति करुथिला सेमानंकु सम्मान जणाउथिला। लोकानां दुःखं पितुः शृणोति। लोकमानंकर दुःख पितांक ठारु शुणे। दुःखस्य कारणं च पितरं पृच्छति एवं दुःखर कारण पितांकु पचारे। पिता सर्वदा उपदिशति। पिता सबुबेले उपदेश दिंति। वत्स हे पुत्र देशस्य स्वाधीनतां रक्षेत्। देशर स्वाधीनता को रक्षा करिबा उचित। कहीं आम देश भारत पराधीन थिला। विदेशी माने इंग्रेज माने आमको शासन करुथिले। तेणु तांकर पिता तांको उपदेश देउथिले जे आम देशर स्वाधीनता को रक्षा करिबा उचित। स्वाधीनतायाः रक्षणाय प्राणानपि त्यजेत्। स्वाधीनतार रक्षा पाई प्राण को मध्य त्याग करवा उचित। आम स्वाधीनता को बचाईपी निजर प्राण को मध्य विसर्जन करवा उचित। कर्तव्य पालयेत। कर्तव्य को पालन करवा उचित। अत्याचार से विरोधम कुर्यात्। अत्याचार विरोध करवा उचित। तदा स्वराज्याय आंदोलनम अचलत। से स्वराज्य पाई आंदोलन चली। प्रजामण्डलस्य नेतारः शासकानाम् अत्याचार विषये ग्रामे ग्रामे लोकान् अवोधयन्। प्रजामण्डलर नेता माने प्रजामण्डल भले गोटे दल गठन करदिले एवं सही प्रजामण्डल दलर नेता माने
शासक मानकर अत्याचार विषय शासक मान किए इंग्रेज कहीं इंग्रेज मैंने आमको शासन करते तेणु शासक मानकर इंग्रेज मानकर अत्याचार विषय गाँ गाँ जा लोक मान बुझाऊ बहव श्रोतार सभास्थल गच्छन्ति बहुत श्रोता मैंने सभास्थल को जाऊते है श्रोता मैंने श्रोतार मैंने श्रोता मैंने शुणापी से सभार कौन कौन कह जा भाषण शुणापी बहुत लोक मैंने जाऊँगी कौटा को सभास्थल को बाजी अभी मात्रा पिता चह गति बाजी मध्य माता एवं पिता सहित जाए नेतृण भाषण शुणती नेता मानकर भाषण शुणे क्रमेण सह नेतृ भी प्रभावित अभवत क्रमशः धीरे धीरे से नेता मानक द्वारा प्रभावित हला तंकर भाषण शुणी ता मनरे मध्य देश भावना जाग्रत हला भारत मातुः सेवाम करोत् भारत मातांकर सेवा कला शत्रुणां प्रतिरोधम करोत् शत्रु मानकर प्रतिरोध कला केमिति प्रतिरोध कला थरे से नीलकंठपुर ग्रामरे से पाखरे ब्राह्मणी नदी बही जाइतिला से ब्राह्मणी नदी रे प्रचंडपुर बोली गोटे घाट अछि से घाट रे से नौका चलाए हला ब्राह्मणी नदी रे से नौका चलाए तेणु से आगर जाणीला जे इंग्रेज मैंने आमको बहुत अत्याचार करेक नेता मानु से शुणीला अनेक भाषण सभास्थल मान से जोग दौला तेणु जाणीला इंग्रेज मान अत्याचार विषय जिते बेले इंग्रेज मैंने आसी कही नई पार करदेपाई से सी मना करदेला जे मु तुम मानू नई पार करी ना तेणु से क्रोधित हो कौन करना अंत्येच शासन कर्तृणां गुलिका भी प्राणान अत्यजत से शासन परिशेष से ही शासन कर्तृ माने जो मैंने शासन करते इंग्रेज मानकर गुली रे प्राण त्याग करदेला तेणु जिते बिल से मना कर इंग्रेज मैंने गुली मारी हत्या कर दे अतः प्राण पातेनापि देश मातृका सेवनिया एणु प्राण त्यागरे मध्य देश मातृकार सेवा करिबा उचित जदि आम प्राण संकट रे मध्य पड़े तथापि आम आम देश मातार सेवा करिबा उचित वर्तमान एथिरे थिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर करिनेबा एक नंबर देछि एकेन वाक्येन संस्कृत भाषाया मातृभाषाया वा उत्तरम लिखत गोटे वाक्य संस्कृत भाषा किंवा मातृभाषा निज ओडिया भाषा उत्तर लेख है एकेन वाक्यन कही मैंने गोटे वाक्य लिखा पिता सर्वदा किम उपदेशति पिता सर्वदा कौन उपदेश दे तो ये देख पिता सर्वदा उपदेशति वत्स देशस्य स्वाधीनतां रक्षे स्वाधीनतायाः रक्षणाय प्राणानपि त्यजेत् कर्तव्यं पालयेत् अत्याचारस्य विरोधं कुर्यात् हला तुम्हें यही बोली संस्कृत रे लिखिपार किंबा ओडियारे मध्य लिखिपार ओडियारे लिखिले केमिति हेबो पिता सर्वदा उपदेश देउतिले हे पुत्र देशर स्वाधीनता रक्षा करिबा उचित स्वाधीनतार रक्षा पई प्राण को मध्य त्याग करिबा उचित कर्तव्य पालन करिबा उचित अत्याचार विरोध करिबा उचित एभली लिखिदेव तापरे ख नंबर प्रजामंडलस्य नेतार कस्मिन विषय लोकान अबोधयन प्रजामंडल नेता मैंने क्यों विषय लोक मान बुझाऊ तो ये देखी प्रजामंडलस्य नेतार शासकान अत्याचार विषय ग्रामे ग्रामे लोकान अबोधयन एभली लिखिबो आ जदि ओडिया लिखिबो केमिति लिखिबो प्रजामंडल नेता मैंने शासक मानकर अत्याचार विषय गाँ गाँ को जाई लोक मान बुझाऊ लिखिबो तुमको जोटा सुविधा हेबो सेटा लिखिबो जदि संस्कृत रे लिखुछ केवल संस्कृत रे लिखिबो हला ओडिया अक्षर संस्कृत भाषा हला किंबा जदि ओडिया रे लिखुछ संपूर्ण ओडिया रे लिखिबो तुमको जो भाई सुविधा हेबो तुम से ही लिखिबो ग नंबर केन प्रकारण देश मातृका सेवनिया क्यों प्रकार रे देश मातार सेवा करिबा उचित तो लास्ट रे देछि इटा प्राण पातेनापि देश मातृका सेवनिया ओडिया रे लिखिले केमिति हेबो प्राण त्याग करि मध्य देश मातृकार सेवा करिबा उचित।
तापरे दुई नंबर देखिबा एकेन पदेन संस्कृत भाषाया मातृभाषाया वा उत्तरम लिखत गोटिए पदरे संस्कृत भाषा रे किंबा मातृभाषा रे ओडिया भाषा रे उत्तर लेख क नंबर बाजी ही मात्रा पित्रा च सह कुत्र गच्छति बाजी माँ एवं बापांक सहित केउठाकु जाउतिला से सभास्थल को एटी उत्तर अच्छी बहवः श्रोतार सभास्थल गच्छति बाजी ही अपि मात्रा पित्रा च सह गच्छति तो केउठाकु जाउतिला सभास्थल तेणु लिखिदेव गोटे शब्द रे केवल तो कौन लिखिब सभास्थलम किंबा सभास्थल ओडिया रे लिखिले सभास्थल तापरे दुई नंबर देखिबा ख नंबर बाजी कस्याः सेवाम अकरोत बाजी कहार सेवा कला बाजी भारत मातुः सेवाम अकरोत तो कहार सेवा कला भारत मातुः केवल एतिक ही लिखिदो भारत मातुः ओडिया रे लिखिले भारत मातांकर तापरे ग नंबर कह बाल्याद मातरी पितरी च भक्तिम करोति किए बाल्यकालरो माता एवं पितांकु भक्ति करुतिला किए करुतिला बाजी तो लिखिदेव बाजी ही किंबा ओडिया रे लिखिले केवल बाजी लिखिबो हला संस्कृत रे लिखिले बाजी ही विसर्ग लागिबो एवं ओडिया रे लिखिले केवल बाजी घ नंबर नाविक कस्मिन ग्रामे आसीत नाविक केउ ग्राम रे थिला नीलकंठपुर ग्रामे ओडिया रे लिखिले नीलकंठपुर ग्राम रे तो पिला माने ए थिला अष्टम अनुच्छेदर प्रश्नोत्तर तेबे वीडियो टी जदि तुम मानको भलो लागी थाए ताहेले याकु निज सांग साथी मानको निकट को मध्य शेयर कर दियो एवं जदि वीडियो टी भलो लागी छि गोटे लाइक कर दिबो एवं जो माने ए पर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करिना सब्सक्राइब कर दियो एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करि ऑल स्थान रे क्लिक कर दियो जा द्वारा मु जते बेले भी कोनोसी वीडियो अपलोड करबी से गुडी को तुम पाखरे पहुंची परिबो ताहले आज ये रखिबा धन्यवाद।